का नाम है सुपर ड्रैगन और ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे से लेके बड़े लोग घूम रहे हैं। तो इसके बाद हमें और कहाँ लेके जाने वाले हो इंद्रजीत? अभी आपको लेके चलता हूँ मैं भूत बंगला। ओह माय गॉड, आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है ड्रैगन झूला जो काफी डेंजरस है। और मैंने इंद्रजीत भाई को बोला है कि इसमें राइड करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई पैसे भी थे फिर भी नहीं करूंगा। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं कहां? लाल किले में लगा हुआ है ईद मिलन मेला। तो दोस्तों ये जो मेला चलने वाला कब से कब तक चलने वाला है? 2 मई से लेके 15 मई तक चलेगा और इसका जो टाइमिंग है 3 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा सर। तो दोस्तों आज का जो मौसम है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ही खुशनुमा यार, खराब नहीं है। देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो ये व्लॉग है वो आधे पे ही हमें छोड़ना पड़ सकता है। हम लोग घर से निकले हैं, मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे तो बारिश होने लगी और जब मेले में पहुंचे तो बारिश स्टार्ट हो गई फिर से और मजा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मेले लगवा, एक मेला आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो और एक मेला जो लगा बिल्कुल फ्रंट में। तो दोस्तों फाइनली हम ने मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे बारिश रुक नहीं रही है और हमें लगता भी नहीं है कि बारिश आए रुकेगी, क्योंकि जब से आए तब से बारिश हो ही जा रही है। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि बारिश अब रुकेगी बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम करेंगे क्या ब्लॉगिंग स्टार्ट और हमने स्टार्ट कर दिया। आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, ये है ड्रैगन झूला जो काफी डेंजरस है। और मैंने इंद्रजीत भाई को बोला है कि इसमें राइड करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई पैसे भी थे फिर भी नहीं करूंगा। क्यों डर लगता है? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना एडवेंचर आइलैंड का, उसके बाद इसको नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं हमें और कौन कौन से जो झूले वो देखने को मिलेंगे। झूले तो बहुत है लेकिन इस बारिश की वजह से सब मजा किरकिरा हो गया, जितने भी लोग आए हैं सबका आज मूड ऑफ हो गया क्योंकि बारिश हो रही है, लोग नहीं कर पा रहे और जो उनका एक्साइटमेंट लेवल वो नेक्स्ट लेवल पे है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, तो दोस्तों आप देख सकते हो इतना मजा हमें आ रहा है, शायद हमसे ज्यादा मजा इनको आ रहा है। एक और झूले की तरफ आ चुके हैं और इंद्रजीत साहब बताएंगे इस झूले के बारे में। ये जो झूला है स्पेशली किड्स के लिए है, अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आएंगे तो बहुत मजा आएगा और बच्चे तो सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हमें और कहाँ लेके जाने वाले हो इंद्रजीत साहब? अभी आपको लेके चलता हूँ मैं भूत बंगला। लेकिन इस समय भूत बंगला नहीं जा सकते बिकॉज राइड बंद है। तो इसके बाद देखते हैं और कोई हमें जो राइड देखने को मिलती है। बहुत सारी राइड अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारी दिखाने वाला है, बारिश की वजह से जो राइड है वो चल नहीं रही। बिल्कुल अगर बारिश नहीं हो रही तो ज्यादा मजा आता आई थिंक, मुझे लगता है। ये है हेलीकॉप्टर राइड, अगर आपके चाइल्ड आते हैं आपके साथ में तो आप हेलीकॉप्टर राइड भी करा सकते हैं जो काफी यूनिक है इस मेले के हिसाब से और काफी मजा आएगा बच्चों को। और कुछ कहना चाहते हैं जो लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट लेवल है वो किस तरीके का? बिल्कुल लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट लेवल है मेले में आने का बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हो रही होती तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि बारिश हो रही है तब इतने सारे लोग आए हुए, इतनी सारी भीड़ इधर दिखाओ कैसे दिख रही है, और अगर बारिश नहीं हो रही होती तो कितनी भीड़ हो सकती थी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। और चलते हैं इंद्रजीत साहब के साथ कहाँ? नेक्स्ट झूले की तरह। दोस्तों हम एक और झूले पे आ चुके हैं इंद्रजीत भाई के साथ और ये बताने वाले ये जो झूला है वो कौन सा है। और आप देख सकते हो एक्चुअली इस झूले से काफी लोगों को उतारा गया है इंद्रजीत साहब। इसका नाम तो खैर मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसको स्काई झूला बोलते होंगे आई थिंक। और ये जो झूला जो है काफी टाइम से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी और इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट भी किया गया, लेकिन अभी देख सकते हो बंदों को उतारा जा रहा है और इसको नहीं चलाने वाले। और इधर कैमरा पैन को कितने सारे झूले बंद पड़े हुए, ये देखो सारे के सारे बंद पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ बारिश। अगर बारिश ये भी देख सकते हो हम इस झूले पे खड़े और ये झूला प्रॉपर तरीके से बंद पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, और यहाँ पे लोग तरस रहे हैं इसके ऊपर बैठने के लिए।
फिर क्या करें साहब, बारिश की वजह से सारा। बारिश नहीं हो रही होती तो आज ये जो मेला है बहुत ही वंडरफुल होता और बहुत ही मजा आता आप लोगों को देखने में और हमें दिखाने में और हम लोगों को इसको एक्सप्लोर करने में बहुत ही मजा आता अगर यहाँ बारिश नहीं हो रही होती। और देख सकते हो कि भीड़ अभी बहुत ही कम हो गई, लोग काफी निराश होकर चले गए यहाँ से। कहाँ की तरफ? अपने घर की तरफ। तो आप देख सकते हो अंधेरी की वजह से जो थोड़ी सी लाइटिंग है वो कम हो चुकी होगी, डिम हो चुकी है। और देख सकते हो आप बहुत सारे जो झूले हैं वो बंद पड़े हुए हैं। और ये वाला देखो जो एडवेंचर लाइन कहते हैं जो हमने वो कार चलाई थी वो कितना अगर चल रहा होता कितना मजा आता है यार। अगर यहाँ पे पॉसिबल होता तो मैं जरूर करता इसको भी यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमने एडवेंचर लैंड में हमने किया था और बहुत मजा आया था, हमने बहुत सारी गाड़ियों को क्रैश किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में। अगर ये चल रहा होता तो बहुत मजा आता वाकई में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो ड्रैगन वाला झूला इसको कर दिया क्या स्टार्ट, यहाँ पे कुछ कुछ झूले स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि थोड़ी सी जो बारिश है वो कम हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं नितिन साहब? बिल्कुल, कुछ कुछ जगह कुछ कुछ जो बारिश है वो कम हो गई है जिसकी वजह से अभी कुछ झूले खोले जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं और लोगों में देख सकते हो उत्साह तो भरा पड़ा है भाई, लोग अभी भी आ रहे हैं इतनी बारिश के होते हुए भी लोग दूसरे के नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से झूले स्टार्ट हुए हैं। नाम है सुपर ड्रैगन और ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे से लेके बड़े लोग तो घूम रहे हैं और बहुत ही आनंद उठा रहे हैं, देखने में तो मजा तो बहुत आ रहा है। जो कुछ कुछ झूले इन्होंने स्टार्ट किया है काफी अच्छा लगा मुझे देख करके, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ घूमे तो लेकिन इन सब चीजों का आनंद नहीं ले पाए। बट ये वाला इस साइड का जो मेला था ये यहाँ पे चालू कर रखा है जो देख कर बहुत मजा आ रहा है, जो ड्रैगन वाला है ना सबसे बेस्ट मुझे लगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो माय गॉड मजा आ रहा है, बहुत फन कर रहे हो, लोगों में जोश देख रहे हो, कितना भरा पड़ा है, लोग कितना मजा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो और ये जो राइड है देखने में इतना मजा आ रहा है तो करने में कितना मजा आएगा। वाकई में अगर बारिश नहीं हो रही होती तो इसमें से दो तीन जो राइड थी जो हम और अंश जरूर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं पूल वाले सेक्शन में, पूल वाले सेक्शन में ही यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा और कहीं गई कहीं यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, कोई बिना पैसे दिए ना चला जाए इसलिए लाइट लगा रखी है। और दोस्तों आप देख सकते हो खुशबू कितनी प्यारी आ रही है, छोले भटूरे जो दिल्ली के मशहूर है वो बन रहे हैं तो खुशबू तो आएगी ना यार, खुशबू आने के साथ साथ मन भी कर रहा खाने का, कैसी भीड़ है, लगी पड़े हैं लोग एक दूसरे पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो और देखते हैं आगे और कोई राइड अगर चल रही होगी वो करेंगे। मेले में सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ है चौमेन सॉफ्टी और छोले भटूरे पे जो यही है और बाकी जगह पे भीड़ तो खत्म हो गई क्योंकि कोई भी बहुत सारे झूले पे राइड नहीं हो रहे थे इसलिए लोग वहाँ के बजाय यहाँ पे कुछ खाने पे निकले आ गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं साथ के साथ कहाँ आगे की तरफ, आगे करा जा रहा और पीछे नहीं। हम एक और सेक्शन में पहुंच चुके हैं और इस सेक्शन में जल रही है क्या लाइट है, बाकी सब नहीं जल रही है और यहाँ पे आप आके 50 रुपए के 10 गुब्बारे फोड़ सकते हैं, अगर निशाना लगा तो ठीक है, नहीं निशाना लगा तो भी आपको 50 रुपए गए। और क्या कहना चाहते हो इंद्रजीत साहब? बिल्कुल बहुत अच्छा है, व्यू तो बहुत बढ़िया आ रहा है और नकली बंदूक मिलेगी जिससे आपको फोड़ जाओगे गुब्बारे। और इसके अंदर क्या डालना पड़ता है? इसमें के अंदर पड़ेगा छर्रा, उसके बाद आप चलाओ और गुब्बारे फोड़ो और 50 रुपए। और इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? तो दोस्तों आज का जो मौसम था काफी अच्छा था और जो आज का हमारा जो टाइम था वो भी काफी अच्छा निकला और चलते हैं दोस्तों बिक गए इसलिए आप बढ़िया निकला ना। तो दोस्तों आज का जो मेला था हमने घूम लिया है और यही से हम करने वाले क्या यहाँ की एंडिंग और मेला घूम के घर, मजा तो बहुत आया, अगर बारिश नहीं हो रही थी तो ज्यादा मजा आता मुझे लगता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा इसका जो टाइम और डेट है और जो स्टार्ट हुआ है ये 2 मई से लेकर 15 मई तक है और उसका जो टाइम है शाम 3 बजे से रात 12 बजे का है, लेकिन आज बारिश हो रही है तो मुझे लगता है जल्दी बंद हो जाएगा, बाकी डे में अगर आप आते हैं तो 3 से 12 ये चालू रहेगा और इसकी जो एंट्री टिकट है। तो दोस्तों चलते हैं कहाँ? अपने घर की तरफ। और दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो पे क्या करके जाना? बहुत सारा प्यार बरसाना।